हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में फिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाकी के जितने भी वीडियोस हम लोग अपलोड किए हैं सारे के सारे ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ पे हैं। उसमें बहुत सारे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के क्वेश्चंस देखे हैं और इस वीडियो में भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का ही एक क्वेश्चन देखेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक भी डाउट आप लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ में नहीं रह जाएगा। ठीक है, कोई भी बुक आप लोग उठा लीजिए, कोई भी NCERT हो, आशा अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, कोई भी बुक उठा लो, क्वेश्चन सबका बनेगा। ठीक है, और हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन कि किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज से हर तरह के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, किसी क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बस आप लोग क्या करना है कि वीडियो देखना है और इस तरह के क्वेश्चंस को आपको और सॉल्व करना है, जैसे कि अभी तो हम बताएंगे ही, उसके बाद डिफरेंट बुक से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को और सॉल्व करना है। ठीक है, जिससे कि आपका क्या होगा, बेसिक कंसेप्ट जो होगा वो थोड़ा क्लियर होगा, बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये बाकी के पिछले वाले क्वेश्चन से बहुत ही अलग क्वेश्चन है, ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन है, बल्कि प्रूफ वाला नहीं है, ई वैल्यूएट यानी कि वैल्यू फाइंड करना है, प्रूफ वाला नहीं है, वैल्यू फाइंड करना है। देखते हैं, क्वेश्चन है कि इफ टैन थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन ई वैल्यूएट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 + cos θ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में टैन थीटा का वैल्यू दिया है 1/2 और हमको इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है कि कितना होगा। ई वैल्यूएट का मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वैल्यू फाइंड करने का बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, लेकिन हम जो तरीका बताएंगे वो काफ़ी सिंप्लीफाई वे में है, मतलब आसान है। ठीक है, तो वैसे हम बता रहे हैं, ऐसे तो करने का बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं कि इसमें टैन थीटा दिया है 1/2, हम क्या करेंगे कि कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यूज हैं वो कौन से हैं, कॉस थीटा है और साइन थीटा है। ठीक है, तो पहला तरीका है कि हम टैन थीटा का यूज करके कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू निकाल लें, और यहाँ पर वैल्यू पुट करके हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं पूरे एक्सप्रेशन का। ठीक है, लेकिन जो दूसरा तरीका है वो हम बता रहे हैं, ऐसा तरीका और भी है, लेकिन जो हम तरीका बता रहे हैं उसमें क्या करना है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से क्या होगा कि ये बड़ा एक्सप्रेशन है, ये बड़ा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा एक छोटे एक्सप्रेशन में। ठीक है, ये बड़ा एक्सप्रेशन है, ये छोटे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां से हमको हो सके कि कम ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना पड़े। ठीक है, यहाँ पे दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना पड़ रहा है, हो सके कि वहां पे हमको एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू से हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, और हमको सिंप्लीफिकेशन भी ना ज़्यादा करना पड़े, यानी कि ज़्यादा कैलकुलेशन भी ना करना पड़े। तो क्या करेंगे पहले कि गिवन एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं। जो चीज़ दिया गया है पहले वो लिखते हैं, पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन टैन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये चीज़ गिवन है। किसका वैल्यू फाइंड करना है इस गिवन एक्सप्रेशन का, टू फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 + cos θ। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसको पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है, कैसे ले सकते हैं हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, मतलब नॉर्मली फ्रैक्शन वाला जो एडिशन होता है वहीं करेंगे इस पर। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 + cos θ। ठीक है, तो हम इसके साथ क्या लिखना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा के साथ 1 + cos θ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1 + cos θ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या होगा, यहाँ से 1 + cos θ 1 + cos θ कैंसिल, ये साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरा, sin²θ। ठीक है, sin θ × sin θ क्या हो जाएगा, sin²θ। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा का इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं पहले, तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमको मिलेगा, कॉस थीटा, ठीक है,
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इंटू वन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिवाइडेड अपॉन, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब ऊपर वाले को सॉल्व करो, तो ऊपर वाले को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस, हम लोग पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी है जो हम लोग पहले ही चैप्टर में, पहले ही एक्सरसाइज में पढ़े हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन डिवाइडेड अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर क्या बच गया मेरा, यहाँ पर बच गया वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि वन प्लस कॉस थीटा ऊपर भी है, वन प्लस कॉस थीटा नीचे भी है, क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमको, वन अपॉन साइन थीटा, ठीक है। हमको अब क्या मिल गया, वन अपॉन साइन थीटा मिल गया, और वन अपॉन साइन थीटा को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा को हम सिंपली कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, यानी कि अब हमको इनडायरेक्टली ये पूरा एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर दिए, कॉसेक थीटा में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किए, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये छोटा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि कॉसेक थीटा में बस आ गया, यानी कि हमको केवल कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर हम कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं तो आसानी से हम इसका भी वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है कॉसेक थीटा के ही इक्वल आया है सिंप्लीफाई करने पे। तो अब कैसे करेंगे, हमको टैन थीटा का वैल्यू दिया गया है और कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, अब कैसे करेंगे हम फिर, ठीक है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमको मालूम है कि कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, एच अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमको गिवन है, गिवन क्या है, हमको गिवन है टैन थीटा, ये तो हमको निकालना है। गिवन क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा कितना है, वन अपॉन टू। अब टेन थीटा किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है, और रेशियो को सॉल्व करने आता है हम, यहाँ से परपेंडिकुलर बराबर वन नहीं ले सकते हैं और बेस बराबर टू नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो रेशियो दिया हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हो सकता होगा कि दोनों के साथ कोई कॉन्स्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हुआ होगा और कैंसिल होकर वन अपॉन टू आया होगा, ठीक है। तो ये पिछले वाले वीडियोस में हम बता भी चुके हैं कि रेशियोज को कैसे सॉल्व करना है। तो यहां से हम पी को डायरेक्टली वन ना लिख के इन दोनों के साथ एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और वो उस कांस्टेंट को हम के मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम दोनों के साथ के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन के हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टू के हो जाएगा। तो यहां से मेरा परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, लेट पी बराबर वन के यानी कि के, और बी बराबर क्या आ जाएगा, टू के, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहां पे के क्या है मेरा, वेयर के इज एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, के क्या है मेरा, एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और दोनों में के सेम होने चाहिए, चलो यानी कॉन्स्टेंट दोनों में सेम होना चाहिए। तो के क्या है, एनी पॉजिटिव नंबर है। अब देखो ध्यान से, हमको परपेंडिकुलर मालूम है के, बेस मालूम है टू के, लेकिन कॉसेक थीटा निकालने के लिए, कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमको हाइपोटेनस भी चाहिए, ठीक है। तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, क्योंकि जितना भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कंसेप्ट पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं, तो यानी कि हम राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच तो निकालना है हमको, तो एच स्क्वायर, पी कितना है मेरा, परपेंडिकुलर कितना है, के, तो के का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है इसमें, टू के है, तो टू के का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग चाहे तो ट्रायंगल भी बना सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पहले से नोन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल होते हैं, तो इसीलिए हम फिगर नहीं बनाए हैं, ऐसे बनाना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस में नहीं भी बनाएंगे फिगर तो कोई दिक्कत नहीं है,
तो यहाँ से के स्क्वायर कितना हो जाएगा, के का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर है, टू के का होल स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर फोर होता है, के स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से एच स्क्वायर मेरा कितना आ गया, फाइव के स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर, फाइव के स्क्वायर। लेकिन हमको किसका वैल्यू चाहिए, एच का वैल्यू फाइंड करना है, एच। तो यहाँ से स्क्वायर को उधर करेंगे तो स्क्वायर इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ फाइव के स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ फाइव क्या होता है, फाइव ही होता है, क्योंकि फाइव एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से हम स्क्वायर रूट ऑफ फाइव जो होगा स्क्वायर रूट फाइव ही हो जाएगा, और के स्क्वायर क्या हो जाएगा, के बन जाएगा। ठीक है, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा के। तो यानी कि हमको यहाँ से एच का वैल्यू फाइंड हो गया, मालूम चल गया अंडर रूट फाइव के। ठीक है, यहाँ से एच का वैल्यू फाइंड हो गया अंडर रूट फाइव के। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि कॉसेक थीटा, ये पूरे एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, कॉसेक थीटा। अब हम क्या करेंगे, कॉसेक थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का भी वही वैल्यू होगा जो कोई कॉसेक थीटा का होगा। ठीक है, तो इतना पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम इधर का क्लीन कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो हम इस साइड वाला क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम इतना क्लीन कर दिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, अभी हम इसको इसी का वैल्यू फाइंड करना था, तो इसको हम सिंप्लीफाई किए तो किसके इक्वल आया था, कॉसेक थीटा के इक्वल आया था। तो लिखेंगे देयर फोर या सिंस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू किसके इक्वल आया था, इसका वैल्यू आया था, या कह सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने पे किसके इक्वल आया था, कॉसेक थीटा के इक्वल आया था। ठीक है, कॉसेक थीटा के इक्वल आया था, यानी कि हम सिंपली यहाँ पे कॉसेक थीटा का वैल्यू डिफाइन कर लेंगे जो कि इसका आंसर हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। हमको हाइपोटेन्यूज मालूम चल गया है, हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट फाइव के, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर के है। ठीक है, तो के से के परपेंडिकुलर के है, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा लास्टली क्या बच जाएगा, अंडर रूट फाइव। यानी कि देयर फॉर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू कितना आया है, अंडर रूट फाइव, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, समझ में आना चाहिए था। हम क्या किए कि गिवन एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई कर दिए, वहां से एक छोटा सा एक सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आया जो कि क्या था, कॉसेक थीटा था, और हमको टैन थीटा का वैल्यू गिवन था, और कॉसेक थीटा में हमको क्या चाहिए होता है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर चाहिए होता है, और टैन थीटा से हमको क्या मिल सकता है, टैन थीटा से परपेंडिकुलर और बेस का लेंथ मिल सकता है। तो वहां से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेन्यूज निकालें, हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद हम कॉसेक थीटा में एच के जगह पे, कॉसेक थीटा एच अपॉन पी होता है, इसका रेशियो होता है दोनों का, तो एच के जगह पे रूट फाइव के, और पी की जगह पे क्या था, के से के कैंसिल, कितना आ गया आंसर, रूट फाइव। यानी कि इस पूरे को हम ना सॉल्व करके एक छोटा सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को सॉल्व करके इस पूरे का वैल्यू निकाले हैं जो कि कितना है मेरा, रूट फाइव। ठीक है, तो होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे, इसी क्वेश्चन को एक और हम सिंपल तरीके से भी देख सकते हैं। कैसे, अभी इससे पहले हम क्या किए थे कि कॉसेक थीटा निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए, फिर वहां से एच निकाले, एच का वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे पुट किए और आंसर कितना लाए थे, रूट फाइव लाए थे। ठीक है, अब हम चाहें तो इतना सब कुछ न करके सिंपली हम टैन थीटा का यूज़ करके हम कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंड मेथड है, सिंपली हम टैन थीटा का यूज़ करके कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं। कैसे, समझिए बात को, हम एक रिलेशन पढ़े हैं कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में। ठीक है, एक आइडेंटिटी पढ़े हैं कॉसेक और कॉट थीटा में, क्या पढ़े हैं कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हम पढ़े हुए हैं। तो यहां से अगर हमको कॉसेक थीटा निकालना है तो स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये आके क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। यानी कि यहां समझ सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि हमको कॉसेक थीटा निकालने के लिए केवल क्या चाहिए होगा, कॉट थीटा चाहिए होगा, ये आइडेंटिटी हम पढ़े हैं सिंस। तो यहां से कॉसेक थीटा क्या आ गया,
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप लोग पूछेंगे सर इस क्वेश्चन में तो टैन थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा कहाँ से आएगा फिर? तो हम लोग टैन थीटा और कॉट थीटा में रिलेशन जानते हैं कि जो कॉट थीटा होता है टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। हम लोग ये देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ही कि जो कॉट थीटा होता है वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/tan θ होता है। यानी कि हम यहाँ से कॉट थीटा क्या निकाल सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan θ का वैल्यू कितना है 1/2। अगर 1 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2 पर चल जाएगा 2, तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ गया 2। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ से कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा मेरा, कॉसेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 आया है और कॉट थीटा का ये स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना है 2 और इसका स्क्वायर, यानी कि यहाँ से कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा मेरा, कॉसेक थीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। यानी कि 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा अंडर रूट 5। ये मेरा हुआ कॉसेक थीटा का वैल्यू अंडर रूट, ठीक है। और जो जो कॉसेक थीटा का वैल्यू होगा वही इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ गया, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया अंडर रूट 5, ठीक है। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी आसान था और ये थोड़ा सा लेंदी था, ये तो लेंदी नहीं था, शॉर्ट में ही क्वेश्चन बन जाता, लेकिन आपको रिलेशंस मालूम होने चाहिए सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कि रिलेशन क्या क्या होते हैं, ठीक है। चलो तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स।